बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री रामनवमी का विशेष कार्यक्रम रेडियो रिश्ते का आपके बीच में आज शती रात्रि में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी को अभिवादन करता हुआ मैं पंडित राम कुमार सेवक 27 न्यूजीलैंड से सारे भक्तों के बीच में इस दिव्य श्री राम कथा को लेकर के उपस्थित होने का जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं हम सबको, वो है हमारे श्री रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्री शिवम सिद्धांत लाल जी, अपने ऑपरेशंस मैनेजर श्री सेन शर्मा जी उनके साथ में, और मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर श्री मति माधवी पिल्ले जी, और साथ में हमारे वोकल एडमिन श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी और श्री राम जी। आप दोनों को बहुत बहुत अभिवादन है, सबको अभिवादन है, समस्त जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं रेडियो रिश्ते के, आप सबको हम लोग सानिध्य में करते हैं, और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे आरजे हैं, आरजे निम्र पठान जी, साथ में हमारे आरजे जयंती पड़ियाची जी और साथ में आरजे सवानी जी, आपको भी सानिध्य में लेते हुए चलेंगे हम लोग। निवेदन करेंगे हमारे जो हर सप्ताह हर कार्यक्रम को हमारे बीच में अपने चैनल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे विनोद रानिका जी मानकाउ फ्लैट बुश ओकलैंड न्यूजीलैंड, उनके सजन्य से भी इस कार्यक्रम को हमारे बीच में आ रहे हैं, सब भक्तों के बीच में आ रहे हैं। और साथ साथ में मैं श्री मिथिलेश प्रसाद भैया जी को नमन वंदना करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी मैं सानिध्य में लेता हुआ चलेंगे। सतीश कुमार भैया को कैसे भूला, और जितने भी हमारे मॉडरेटर्स हैं भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, आप सभी को अभिवादन करते हुए मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को हमेशा की तरह वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री को नमन वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। अपने पूज्यवर गुरुदेव जी को भी मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। साधु संत विद्वत समाज को मैं बहुत 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 प्रणाम करता हुआ मैं सबसे निवेदन करूंगा, आज जो भी आशीर्वाद मिल रहे हैं आप सबके तरफ से वो मेरे लिए बहुत बहुत है। आपकी कृपा प्रसाद वर्षे सदैव हम सब पर, यही मंगल कामनाएं करते हुए हम चले सभी कोई श्री भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे, और मैं निवेदन करूं आप सब हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। श्री सीतानाथ संभारम्भम् श्रीरामानन्द। आधे श्लोक को बोल चुका हूँ मैं, उसको संक्षिप्त में पूरा करते हुए आगे बढ़ते हुए आप सबको एक बार वंदना। सकलाय मंगल
शुभ जीवन नयन धरे धनुषायत भगत विपत्ति जन सुख दायक मंगल भवन मंगल सदशरथ अजर जनक सुत जग जननी जानकी अति से प्रिय करुणा निधान के आके जुग पद कमल बनाओ जा सुखपा निर्मल जा सुखपा निर्मल मति पाओ माता राम मद पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा सर्वस्य तम्य राम चंद्रो दयालो न्यान्यम जाने नयो जाने जो जो भक्तजन 5 मिनट लिए हमसे बिछड़ गए होंगे उन सबको पुनः सम्मान आदर करते हुए मैं फिर से आपके बीच में क्षति रात्रि का ये कार्यक्रम को लेकर के आए हुए हैं। आइए कल का प्रसंग आप लोग सुन रहे थे कि हमारे श्री देवर्षि नारद को किस बात का अभिमान हुआ है। वो अभिमान इस बात का हो गया कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया और काम पर विजय प्राप्त करने के उपरांत में यही तो प्रॉब्लम हुआ उनका कि अब ये सीधे चले गए सीधे शंभुनाथ के भगवान के पास में और शंभुनाथ भगवान के पास में जाकर के इन्होंने सारा वृतांत बताया कि मैं हिमगिरी की गुफा में और तपस्या किया और काम पर विजय प्राप्त कर लिया। काम आए लेकिन कुछ नहीं हो सका उनका, इसलिए अब बड़े ही अपने प्रिय भक्त जान करके और शंकर भगवान ने उसको बहुत उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, स्वाभाविक है आप तो एक ऋषि हैं और विप्रह ऋषि हैं, एक महात्मा हो, एक वैरागी हो और वैरागी को काम आदि कभी परेशान नहीं करती है, उनको कभी नहीं सता सकती है, इसलिए हे देवऋषि इसमें तो कोई बड़ी बात मुझे नहीं दिख रही है कि आपने काम पर विजय जो प्राप्त किया है ना, लेकिन एक काम करियो आप बिल्कुल इस प्रसंग को आप श्री हरि को मत कहना और श्री हरि को मत कहना
ये बात खटक गई देवर्षि नारद को। उन्हें लगा कि शायद शंभु भगवान हमसे जलते हैं। और निकल गए एक दिन शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंचि के लोक सिधाए। अपने पिता घर चले गए। शंभुनाथ के ये वचन उसको अच्छे नहीं लगे और वहां गए तो ब्रह्मलोक में ब्रह्म पिता से भी वही बात हुई बार बार कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। और यही तो देवऋषि नारद का बड़ा भूल रह गई। उन्होंने पिता ब्रह्मा से भी यही बात कर दी। पिता ब्रह्मा में ने उनको यही सीख दिया कि वक्त आप अगर भूले भटके हैं, ये प्रसंग शायद श्री हरि के साथ उड़ भी जाए तो आप उनसे भी मत कहिएगा। लेकिन देवऋषि को लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है और इस पर भाई बताने और छुपाने वाली बात है क्या, तो वो निकल गए। और कहां गए? सीधे श्री क्षीर सागर में और श्री भगवान शंभुनाथ के पास में। बाबा जी का बड़ा सुंदर वर्णन है, आइए हम सब इसको गाते हुए बड़े प्यार से और सुनेंगे कि शंकर भगवान के बताए बात को ना सुन करके भी और वो निकल पड़ता है तो कैसे है। जाकर के श्री हरि को ये बात सुनाते हैं। अभी क्षीर सागर में श्री देवऋषि नारद पहुंच गए हैं। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथ, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा, भगवान श्री हरि ने देवऋषि को देखा तो उठ गए, उठ खड़े हो गए। हरि शिमिले उठी रमानी के हर्षि उठी मिले उठी रमानी के बैठे आसन ऋषि ही समेत। दोनों बैठ गए, साथ में हरि जी बैठ गए देवऋषि के और बोले भी हंसी चरा चर राया बहुत दिन कीनी मुनि दया। बड़े दिनों बाद मुनिवर आपने मुझ पर दया करी, प्रात पर ब्रह्म श्री हरि इतना सम्मान करते हैं हमारे संत जन को और उनके दर्शन के ललायित होते हैं। आज देखे देवऋषि के साथ में इन्होंने यही वाक्य कहा, बड़े दिनों के बाद में मुनिवर आपने दया दर्शाई है, मुझे दर्शन दिए हैं। और तब
श्री देवर्षि नारद शुरू हो गए भाई। अब ठीक है, काम पर विजय पाया है तो कई दिन लग गए होंगे तपस्या में। वैसे तो आपसे मैंने कल निवेदन किया था कि श्री देवर्षि नारद दो घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाते, 48 मिनट से ज्यादा नहीं। यहाँ पर रामायण श्री में श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है कि इन्होंने उस सांप को बांध दिया। कैसे बांधा होगा ये तो नहीं लिखा हुआ, नहीं बताया हुआ, लेकिन देवर्षि के पास उतने तो अभ्यास होंगे, उतनी शक्ति होगी, क्योंकि वो तो मन की गति से चढ़ने वाला स्वयं ब्रह्मा का मानस पुत्र है और वो क्या नहीं कर सकते। अपने उस श्राप को उन्होंने बांध दिया तपस्या के लिए, तो इतने दिन तपस्या कर गए। और आज जब आए उसकी हड्डी के द्वार पर तो श्री हरि जब ने पूछा तो फिर बताने लगा कि भाई क्या हुआ कि अति प्रचंड रघुपति की माया जहि न मोह उसको जग जाया, काम चरित्र नारद सब भाखे। काम पर विजय होने वाली बात को बार बार कह दिए, जही यद्यपि प्रथम वर जी शिव राखे। बार बार शिव जी को मनाने के बाद में भी आज यही हो गया, लेकिन श्री हरि अब क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि सुनो मुनि, मोह हो मन के हो ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिनके हृदय में कोई ज्ञान विराग आदि का कोई प्रपंच ही नहीं तो वो ब्रह्मचार्य व्रत को जब पालन करता है तो उसकी मति जो है वो एकाग्रचित्त होता है। और तुम ही की करे मनोभव पीरा, अरे भाई आपने कर दिया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। नारद कहे सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। यद्यपि कहते हैं भगवान तेरी ही कृपा से हो सका, लेकिन उसमें अभिमान का जो बू है ना वो नारद के मुख से निकल रही है। और तब करुणा निधि मन दिख विचारी, मन में विचार करके करुणा निधि ने सोचा, उर अंकुर हूं गर्व तरु भारी। पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास जी के वाक्य को मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी वाणी में बार बार इसको कहा, अपने भाषा में मैंने कहा कि जब कोई अहंकार का बीज हमारे बीच में आ जाता हो, कोई भी हमारे बीच में ऐसी प्रसंग हो जाती हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर तुरंत ही उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर हम नहीं करते ना तो फिर यही समस्या हमारे बीच में आ जाएगी जो आज नारद के बीच में आ गया, क्योंकि बार बार भगवान कहते हैं कि ये अभिमान का जो भाव है इसको हमें श्री देवर्षि नारद के अंदर से मिटाना है। अभिमान का जो अंकुर है, तो उस बीज जो अब जमने लगा है और ये बाद में चल करके बहुत बड़ा ही पेड़ बनेगा, तरु या वृक्ष बोले, तरुवर बोले, जो बोले, बहुत बड़ा बनने वाला है। अब परमात्मा ने कोई विकल्प निकालना है परमात्मा को, अपने अपने भक्ति को पुनः एक बार उसी ही स्थान पर लाना है, क्योंकि ये उड़ रहा है, पंख लग गए हैं, अभिमान के पंख लग गए हैं, और देवर्षि को पुनः एक बार वहीं नीचे लाना जहां वो
है और तब बाबा जी का वर्णन है इसको हम एक बड़ा सुंदर नगर को रच दिया। नारद जी बार बार उस मार्ग से गए लेकिन ऐसा नगर तो उसने कभी देखा नहीं, इतना शोभायमान। बस ही नगर सुंदर नर नारी, इस नगर में बहुत सुंदर सुंदर नर नारी का समूह है। जन बहु मन जी सब रति कानो धारी, सब जितने वहां के नारी पुरुष है ना ऐसे दिखने लगे वहां कि जैसे साक्षात कामदेव जी और उसकी पत्नी रति दोनों हर एक नारी और पुरुष के और रूप में दिखाई देने लगे। ते ही पूर्व सही शील निधि राजा अगणित है गए से में आते हैं, इतने घोड़े इतने गाय और सेना रथ आदि सब सजे। बड़ा सुंदर और उसी में शिरनिधि की एक सुंदरी कन्या विश्व मोहनी तासु कुमारी सारे विश्व को जो मोहित करने वाली, उनका नाम ही विश्व मोहिनी, उनकी सुंदर कन्या श्री विमोह
जही रूप निखारी निहारी। जो उसको देखे मोह में आ जाए। सोहरी माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाय बखानी। कहे स्वयंवर सुनिर्भर बाला हो आए तहां अगणित मही विशेषता देखिए बड़ी सुंदर कथा है। मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा था तेजी से बढ़ू लेकिन क्या फायदा। कथा तो इतना विस्तार है रामायण श्री तो खत्म नहीं होने वाली ना। दो ही रोज और बचे मेरे पास ना। एक कल सातवीं रात्रि और एक आठवीं रात्रि और जो आखिरी रात्रि होगी बुधवार की शाम उसमें तो दिन में तो हम लोग हम व्यक्तिगत रूप में अकेले क्योंकि मैं एक संकल्प ले लिया हूं ना कि मैं जिस स्टूडियो में 14 दिन काटे हैं मैंने अकेले जैसे राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ है ऐसे प्रभु ने सोचा तू भी यहां 14 दिन बिता मेरे साथ शायद उनके आदेश को मैं सर्वधारण करते हुए मैं आखिरी जो यज्ञ आदि है दिन में और पलना आदि को ना जलाएंगे हम लोग। लेकिन कथा का जो एक महोत्सव होती है मास दिवस का दिवस भवा आप सब जानते हैं इस बात को कि मध्य दिवस में परमात्मा सूर्य नारायण जी जब एकदम मध्य दिवस में आए तभी प्रभु प्रकट हुए थे। लेकिन ये समारोह जो था एक माह तक चला एक महीना तक चला लेकिन पता किसी को नहीं लगा। इसलिए अब 2-4 घंटा बाद भी अगर हम लोग 2 रोज बाद भी इसका सेलिब्रेशन करेंगे ये महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएंगे तो कौन सी फर्क आने वाली है। लेकिन हाँ मैं कई सज्जनों का आदर सम्मान करता हूँ उनका निर्णय यह होता है कि रामनवमी दिन में मनाई जाती है क्योंकि मध्य दिवस से अति शीत न घामा ना रात में तो भगवान श्री कृष्ण जी आए क्योंकि वो कृष्ण चंद्रवंशियों के स्वामी थे और ये सूर्यवंशी भगवान श्री सूर्यवंशियों में आए हैं। इसलिए ये रघुकुल का जितना भी राजे हुए सब सूर्यवंशी कहलाए और भगवान श्री राम जी सूर्यवंशी हैं इसलिए सूर्य का वो उनके इष्ट देवता है सूर्य देवता। तो दिन में ही प्रभु का इस समारोह जो है यज्ञ आदि है ये सब करी जाती है। चलो कोई बात नहीं हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या हर साल तो कोई ना कोई बवाल खड़ी होती है हमारे बीच में इसमें कोई नई बात तो है नहीं भाई। कोई ना कोई अपना मति बताता है कोई अपना ये बताता है कोई वो बताता है लेकिन हम सब कितने बार इस रामनवमी पर्व को मनाए हैं कितने बार हमने दीपावली मनाया है कितने बार हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाया है कितने बार हमने दुर्गा नवमी मनाया है कितने बार हमने शिवरात्रि मनाया है सबको पता है होनी क्या चाहिए सबको पता है। तो हम कोई मूर्त तो है नहीं ना भैया लोग इसलिए हम लोग सब सुलझे हुए हैं सभी को ना कल के प्रकरण में क्या बताएं श्री शंभुनाथ भैया भगवती पार्वती से जब कहा कि देवऋषि तो विष्णु भक्त है वो तो ज्ञानी है वो कैसे ये क्यों शराब दे दिया तो बिहस करके हंस करके तो श्री शंभुनाथ ने कहा कोई मूढ़ नहीं और कोई ज्ञानी नहीं जिसको परमात्मा जब बनाना चाहे जैसा बनाना चाहे वो वैसा ही बन जाता है ये तो हमें और आपको पता भी है। तो इसलिए बड़ा एक सुंदर भाव आपके बीच में मैं लाना चाहता हूँ एक प्रसंग है उस प्रसंग को थोड़ा सा आपके बीच में गाऊं और सुनाऊं आपको। ये एक बहुत पुरानी मैंने बहुत पहले हमारे पूज्यवर श्री श्री संत मुरारी बापू जी की एक रामायण है उसने अपनी कथा जहां जहां करी है तो उनके जितने भक्त जन ने उनको एक
जो करके उनका बापू कथित रामायण जो है ना वो लुटा। उनके गुरुदेव जी हैं डोंगरे महाराज जी, डोंगरे महाराज जी ने भी बहुत सुंदर रामायण लिखा। वो सुंदरता इस बात का है ना, ये पहुंचे हुए महात्मा लोग जो है, जैसे हमारे पूज्य गुरु जी है बहुत पहुंचे हुए हैं, तो इनका जो अलग जगह होता है क्योंकि उनकी श्रेणी अलग होती है और वो श्रेणी में इनका पास इतना तत्व ज्ञान होता है, इतना ज्यादा इनमें वो ज्ञान भरा होता है कि एक एक दो दो घंटा या नौ दिन बैठ करके कथा करते रहेंगे फिर भी उसमें से एक अंश मात्र ही निकलेगा। जैसे हमारे श्री विवेकानंद जी जब गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां उन्होंने कुछ दिन बात करी हमारे भारतीय संस्कृति पर, लोग की गाथा लग गए, लोग आते उमड़ पड़े श्री विवेकानंद जी को सुनने के लिए, इतना मात्रा में लोग। और अंत में श्री विवेकानंद जी ने कहा कि मैंने सिर्फ एक दो बूंदे भारतीय संस्कृति पर कहा है। बताओ हमारी भारतीय संस्कृति कितना वजनदार होगा, कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा हमारे में ये गुप्त आदि ज्ञान पड़े हुए हैं जो हमारे बड़े बड़े संत लोग जानते हैं पढ़ते हैं लेकिन उनको अवसर ही नहीं मिलता है कि वो उस तत्व ज्ञान को हमारे और आपके बीच में खुलासा करें। तो इसलिए ये छोटी छोटी बुक्स जो है ना, तो मैं उसमें पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर व्याख्या था, विनोद है, एक बड़ी हास्य बात है जिसको सुनने के बाद में हम हंसेंगे भी थोड़ा सा, लेकिन बात यह है ना, ये मूर्ख और ज्ञानी की बात जो करें। तो ऐसे हुआ एक ही गांव में, भारत की कोई मध्य प्रदेश की गांव में, संत मुरारी बापू जी कहते हैं कि वो ये कथा किसी से और सुने थे और उन्होंने उस डायरी में लिखी और उसने कहा कि तीन इंजीनियर भैया पढ़े लिखे विद्वान गए और उनको ऐसे उनमें रस्सी डालनी थी इस पार से उस पार, इतना काम था। और तीन इंजीनियर भैया पढ़े लिखे विद्वान गए और सुबह काल में एकदम गए, सुबह काल में, और सुबह काल से लगे हुए हैं तो जहाँ ये काम कर रहे थे बाजू में एक किसान भी आता, बड़े ही गरीब किसान थे और गांव के देहात का किसान, आप सब जानते हो भारत की जो जो देहात गांव होती है बड़ी बड़ी अद्भुत है भैया, बहुत अद्भुत है। मैं बहुत सालों की बात कर रहा हूँ, पहली बार जब मैं गुरुजी के जहाँ जन्म भूमि है ना, जयरी नाम की गांव है, मैं वहाँ पहुंचा, बहुत दिन की बात है ये। और जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ हमारी गुरुजी की दादी श्री थी और दादी जी तो मतलब इतनी 90 के आसपास में, दादाजी तो थोड़ा और भी निकल गए थे आगे, और दादाजी ऊंट पर बैठ करके आ रहे थे, दादी जी से हम लोग बात कर रहे थे, बड़ी सुंदर वहां पे इमली के पेड़ था, इमली के पेड़ थी, थोड़ा ठंडे का समय था और हम लोग थोड़ा आगे होगी बाहर करके बैठ करके ताप रहे थे। और दादी जी से मैंने प्रश्न पूछा कि दादी आपके पूरा नक्श से तक, मतलब उनके तो पूरा श्रृंगार के जितने जेवर थे ना, वो मांग से लेकर के हाथों में, हर एक हाथों में छोटी छल्ले नीचे एकदम, मतलब दादी के पैर में भी छल्ले पड़े हुए हैं। मैंने पूछा दादी इतनी उम्र में आप अभी भी श्रृंगार करती हैं? अरे हट उधर भैया, कहते हैं ना तेरे दादा अभी भी जिंदा है। बड़ी स्वाद लेकर के, बड़ी रस लेकर के दादी ने इस बात को कहा, मुझे बहुत भा गया कि देखो भैया इतने उम्र में भी यह श्रृंगार की सिलसिला हमारे गांव में, इतने दूर इतने बीच में, तो एक गांव में किसान भैया जो ना वो देख रहा है कि ये तीन जो महापुरुष आए हुए हैं शहर से, ये कुछ कर रहे हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, इनको दया आ रही है, कभी जाकर के पानी पूछ लेता और कभी भोजन पूछ लेता, जो भी रुका सुखा हो गरीब किसान के पास, वो इंजीनियर से कहते भैया देखिए जल्दी वो तो कुछ बता दे, हम है यही बाजू में है, कुछ मदद करो मैं। तो जैसे बोलते कुछ मदद करो मैं, तो ये तीनों भड़क उठते हैं और तीनों जोर से डांटते हैं इसको कि तू जा अपना काम कर, हम लोग जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को छोड़ दो अपनी अपनी काम पर। और वह जुट पड़ते हैं और तब क्या होता है, थोड़ा देर बाद दो तीन घंटे हो गए हैं, अब तो
गांव वाले भैया किसान को तो पता है कि यहाँ गांव है, यहाँ तो बिजली बत्ती आती तो है ही नहीं, और थोड़ी देर में यहाँ तो सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे और बहुत महाअंधकार हो जाएगा। तो ये बेचारे जो तीन है बड़े आपत्ताल में पड़ जाएंगे। और फिर से थोड़ा देर बाद में पहुंचता है उनके पास फिर और कहता कि भैया मैं कुछ मदद करूं। फिर से फटकार आ गया इसको, क्या करोगे तुम, क्या मदद करोगे हमारी तुम। और इस पर फिर बेचारे लोग उठ गए और अब तो शाम की वेला आने वाली है, सूर्यास्त की जो वेला है वो गदवेरिया का समय अब वो करीब आने वाला है। और सोचा कि अब मैं जाऊं इनसे जरूर इनके मदद की जरूरत है, बेचारे कुछ कर रहे हैं, लगता है ये इस सफलता की अग्रसर नहीं हो रही इनके कार्य। और वो निकल करके जाता हाथ जोड़े तीनों विद्वान के पास में, कहा कि भैया हम कुछ मदद करें। और ये तीनों अब इतने ज्यादा दुखी हो गए हैं कि जो काम इनको करना है वो टेढ़ी मेढ़ी बात में रस्सी डालना है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और तभी कहा कि ले ये काम करना है, ये टेढ़ी मेढ़ी पाक में रस्सी डालना है। उसने कहा कि कह रहे बाबू लोग हम कुछ करते हैं अभी। और वो एक बाजू में जहाँ पर वो धान वान करते ना, धान की पैरा पड़ी हुई थी वो ज्यादा सा, और उन्होंने उसमें आग लगा दी। और जैसे उसने आग लगाई कि थोड़ी देर में धुआं धुआं हो गया और कितना बड़ा चूहा निकला उस पैरा के नीचे से, क्योंकि उसी में खाता पीता था वो धान के न। और जैसे निकला किसान भैया दौड़ पड़े और उसको पकड़ दिया और पकड़ करके लाए। और ये बेचारे घबरा गए कि भाई ये चूहा क्या करेगा। और चूहा के पूंछ में वो रस्सी को बांधा और बांध करके उस टेढ़े मेढ़े पाइप के अंदर में चूहा को डाल दिया और खूब ठोका हल्ला किया। चूहा ऐसे हुआ डर के मारे भागता भागता टेढ़ा मेढ़ा पाइप से उस पार निकल करके रस्सी उस पार आ गई, पूंछ से निकाल करके चूहा को छोड़ दिया। कहा कि भैया तेरे काम हो गए, चिंता मुक्त हो जाए। यह है हमारे मूर्ख और ज्ञानी की प्रसंग। तो कोई मूढ़ नहीं कोई ज्ञानी नहीं भैया, एक गवार से गवार आदमी भी अनपढ़ गवार के पास भी बहुत बुद्धि होती है। लेकिन जिस खेती में हम पढ़े होंगे उस खेती में शायद वो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं उनके पास ज्ञान नहीं होता। तो आज यही बात यहाँ आज देख लेना देवर्षि नारद आज प्रभु के माया के वशीभूत होकर के आज शीर नदी के नगर में जब गया है तो शीर नदी राजा ने अपने रानी के साथ में बहुत बृहद स्वागत किया देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद को स्वागत करके उनको दिव्य आसन पर बिठाया, इनके चरण पखारे और चरण पखार करके और अब देवर्षि नारद वो अपनी वो सुंदरी कन्या को ले आए। और सुंदरी कन्या को जब ले आए तो अब देवर्षि जब उस कन्या को देखा है इस कारण से लाए हैं क्योंकि उनका स्वयंवर होने वाला है। और इस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा लोग आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े राजा आए हैं, दूर दराज से राजा लोग आए हुए हैं। और जब उस कन्या को लाए गए देवर्षि के पास मुनि विरती पिसार बड़ी बार लगी रहे निहारी राम सिया
चकित हो गए, ये दिव्य स्वरूपणी को देख करके मोहित हो गया देवर सीताराम। यद्यपि काम क्रोध देवऋषि को कभी भाते नहीं, लेकिन आज हरि माया के कारण हाथ देखा है राजा की कन्या को, लक्ष्मण तासु बिलो की भुला हर्ष नहीं प्रगट बखाने नारद इस रूप को देखकर के इतना मोहित हो गए कि क्या करें। विचार मन में चलने लगा कि मैं क्या यत्न करूं, क्या उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे वरे। काम की प्रवाह चल पड़ी देवर्षि को अंदर में, और कुछ देखा कुछ अपना वाली बनाया, कछुक बनाय भूप संग भाके, बना बना करके पूजी दर करके भाई कुंडली तैयार करो पंडित जी लो, दक्षिणा पर बिल्कुल मत जाओ। दक्षिणा क्या मिले उसका कोई मायने नहीं, लेकिन सही बताओ जो लिखा हो, समय ठीक हो, हमारा जन्मदिवस का जो समय है वो ठीक हो एकदम बिल्कुल उस मिनट पर, पिछले वालों को छोड़ दो जो 50-60-70 साल मेरे तरह 60 प्लस वाले हैं, उनको तो शायद कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा कि किस दिन पैदा हुए, लेकिन आज वाले जो हैं
उनको तो पता होता है कि कहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि आजकल जीपीएस आई हुई है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एक एक सेकंड बता दे, कोऑर्डिनेट्स टू द लास्ट फिगर, सिक्स फिगर तक वो हमारे कोऑर्डिनेट्स बता देती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहां पर वो पैदाइश होती है, कौन सा नक्षत्र, कौन से तारे, कौन से मंडल, कौन सा ग्रह देवता, इस नवजात पर कौन उसके राशि के स्वामी हो गया दिया है, सब आजकल बड़ा सरल है, बहुत सरल है, लेकिन समय डेट, हम लोग बोलते हैं डेट, डीओबी ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, ये बहुत जरूरी है। तो जो लिखा होता है और जो पहले के हमारे वेद मंत्र आदि से ज्योतिष विद्या जानते थे वो तो हास करेगा पढ़ देते थे, उनको तो पता नहीं होता किस दिन ये पैदे हुए, लेकिन हाथ देख करके पूरा का पूरा जो वृतांत बता देते थे, देवर्षि ने अपने अब कुछ बनाया और कुछ बोला, निकल पड़े विचार करते रहे कि अब कौन सा उपाय करें जिससे ये कन्या हमारी भारिया बने, जो मेरे गले में आकर के बरमाला डाले, और उसने सोचा हरि के संग वरदान मांगता हूँ, मेरा और कोई सहायक तो है नहीं भैया, इसलिए तुरंत ही निकलते श्री निधि के नगर से और चले जाते हैं, और बहुविधि क्या किया उसने, बहुविधि बसने वाला यत्र वत्र यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा, तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब देव ऋषि हमें उतारे और कब हम जाएं, प्रभु को बहुत सारे कार्य करना है, और प्रभु ने तुरंत देव ऋषि की छोटी सी प्रार्थना, तब करेंगे जब करेंगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, इधर जो स्वयंवर है वो निकल जाएगी, इसलिए देव ऋषि ने हाथ जोड़ करके प्रभु को विनती करी और प्रभु प्रकट हो गए, कौतिकी भगवान प्रकट हो गए, और जब जैसे प्रकट भए तो अतियारत कहीं कथा सुनाई, करूं कृपा प्रभु हो सुहाई, क्या मांगा उसने, आंख से सुंदर तो कोई है नहीं प्रभु, और प्रभु जैसा सुंदर को हो ही नहीं सकता, वही तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वही संपूर्ण है, बाकी हम सब अधूरे हैं, इसलिए प्रभु का रूप मांगा, क्या मांगा, अपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावहु ओही, जय विधि नाथ हुई है हित मोरा, जय विधि नाथ होइए हित मोरा, करम सो बेग दास मैं तोरा, प्रभु की माया प्रबल माया के वशी हो देवर्षि, मांगा प्रभु की रूप को मांगा, प्रभु ने कहा जय दीदी हुई है परम हित नारद
अब सुनू तुम्हार सुई हम कर कछु वचन वचन पावला शाह जो ना अब हम कहाँ पड़े हुए हैं। अगर हम दक्षिण या काशी वगैरह में पढ़े हैं तो वहाँ खा बोलते हैं, कभी कभी आप देखे ना कभी खा बोला जाता है कभी शाह बोला जाता है, दोनों के लिए, मैंने दोनों के लिए, जो जो शाह बोलते हैं उनके लिए और जो जो खा बोलते हैं उनके लिए भी ये ब्रिखा मतलब ये हमारे वाणी जो है ना असत्य नहीं होगी। इसलिए आप जाओ ना, जो तेरे लिए मैं करूंगा तेरे ही हित के लिए, जही विधि हुई है परम हित, थोड़ी हित नहीं परम हित। नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करवन आन कछु वचन न ब्रिखा हमार, कोई हम गलती नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा देवर्षि नारद को ये बात, और देवर्षि नारद ने सोचा कि मुझे तो हरि का रूप मिल गया है। और यहाँ पर हमारे विद्वत लोगों ने बड़े अच्छे संशोधन किए हैं कि हरि का मतलब बंदर भी होता है, और इधर शिव जी ने दो गण लगा रखे हुए थे। जब से देवर्षि नारद ने काम पर विजय पाया है और शिव जी को जाकर के इन्होंने कथा सुनाई है, तब से ये दो गण को पीछे लगाए हुए हैं और इनके ही पीछे लगे हुए ये दोनों गण बैठे हैं। और इधर नारद जी स्वयंवर में और प्रस्थान करते हैं, और जहां से कन्या निकलने वाली है वो विश्व मोहिनी कन्या सामने वाले वो श्रृंखला में वो रौ में बैठ गए और वहां बैठ करके फूले नहीं समा रहे हैं। पीछे दुई गण शिव जी के बैठे बड़े व्यंग कर रहे हैं कि वह क्या रूप पाया है। लेकिन यहाँ देखें एक बात बड़ा श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी स्पष्टी कर दी है कि यहाँ देवऋषि तीन रूप हैं। देवऋषि के एक रूप तो जो सामान्य लोग वहां बैठे हैं, जो राजे महाराजे बैठे हैं, वो सब देवऋषि को कैसे देख रहे हैं, सब देवऋषि को देख रहे हैं कैसा कि ये तो देवऋषि ही है। देवऋषि भैया ये राजकुमारों की पंक्तियों में क्यों बैठ लिया, इसलिए हंस रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो सकुचा रहे हैं कि देवऋषि क्या कर रहा है यहाँ, अरे बैठे तो उधर जाकर बैठे राजन के तरफ जाकर बैठे, लेकिन ये तो स्वयंवर में जहां राजा लोग जब बैठे तैयार होकर के कि अभी हमारे गले में वरमाला पड़ेगी, अभी हमारे गले में वरमाला पड़ेगी, तो देवऋषि भी तो उसी श्रृंखला में बैठे हुए हैं। और इधर दोनों गण बोल रहे हैं कि क्या रूप पाया है आदि आदि बहुत व्यंग कर रहे हैं। और तभी क्या होता है, और सीधे भगवान आए हैं, एक मानव शरीर धारण करके, एक राजा का शरीर धारण करके, और तब जैसे आई और सुंदरी विश्व मोहिनी कन्या ने भगवान को देखा और भगवान के पास गई। लेकिन उससे पहले कि वहां रमापति आए राजा के वेश में, जिस ओर विश्व मोहिनी कन्या वरमाला ले अपने सखियों के साथ में आई, जहां देवऋषि नारद थे उस तरफ उसने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, क्योंकि यह तीसरा रूप का प्रदर्शन हो रहा है। एक तो देवऋषि नारद स्वयं अपना रूप सबको दिखाई दे रहा है उसको, और इधर जो द्विगण है ना उनको क्या दिखाई दे रहा है, उनको दिखाई दे रहा है कि ये तो बहुत भयंकर मरकट है, बंदर है, कुरूप बंदर है। ये विश्व मोहिनी कन्या ने देखी, विश्व मोहिनी कन्या ने क्या देखा, अरे ओहो जही दिशि बैठे नारद फूली सो दिशि तेही ना बिलो कई भूली।
पुनी पुनी मुनि उपसहे अकुलाई, अपने खिसक रहे हैं, उठ रहे हैं, अपना सीना आगे कर रहा है कि मतलब उसको हम लोग अटेंशन सीकर्स बोलते हैं ना, अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई कई कारण वशात विश्वमय कन्या भूल गई उधर देखने के लिए, लेकिन विश्व कन्या भूल कर भी उस दिशा में नहीं देखती है और देखी दशा हरिगण सब मुस्कराए दोनों और तभी धरी निरपतन तहां गया हूं कृपाला कुंवरी हर्षि मेली जयमाला। और जयमाला को विश्वमोहिनी कन्या ने प्रभु को और पहना दिया और दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा निरप समाज सब भया हूँ निराशा। जो अजर है, जो अमर है, जो जगत पति है, जिसको संसार में कोई हरा नहीं सकता, वही श्री प्रभु है, वही श्री राम है, वही श्री नारायण है। अपने दुल्हन को वो ले गए, राजे निराश हो गए, मुनिवर बहुत क्रोधित थे, लेकिन ये प्रसंग को आगे कल बढ़ाएंगे हम लोग। आज छठी रात्रि का ये हमारे रेडियो रिश्ते का खास कार्यक्रम रामनवमी पर आज विराम पर जा रही है। आइए हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय को, शिवम सिद्धांत लाल, समस्त कर्मचारियों को और हमारे विनोद रानीगा हाकोट फ्रेड बुश ओकलैंड न्यूजीलैंड, मिथिलेश प्रसाद हमारे ताबू सोरो और साथ में हमारे सतीश जी और जितने भी हमारे मॉडरेटर्स भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार फाउंडेशन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने ऑनलाइन लिसनर्स, आप सबको धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री सीताराम। कल शाम को ठीक 7:30 बजे NZ और फिजी टाइम पर मिलते हैं।